नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। केवल 24 घंटों की बारिश में कैसे डूब गया मुंब्रा से लेकर सिलफाटा। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है पिछले 24 घंटों से मुंबई और आसपास के परिसर में काफ़ी ज़्यादा हद तक के बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश है। अगर हम बात करते हैं अपने शहर मुंब्रा कौसा की, तो हालत यहाँ पर बद से बदतर होते हुए नज़र आए। जो निचले स्तर के इलाके हैं, जो ढलान पर जगह है, वहाँ पर तो लगभग 4 फीट तक के पानी भर गया था। बात की जाए सिलफाटा परिसर की, ग्रीन पार्क के इलाकों की, तो वहाँ पर पूरे तरीके से जो हाईवे पर गाड़ियाँ हैं उसे बंद करा दी गया था। और अगर बात की जाए वहाँ के लोगों की, तो स्थानीय लोगों ने काफ़ी हद तक के बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। जो राहगीर पैदल मुसाफिर अपने घर की ओर जा रहे थे, जिन लोगों को पानी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, स्थानीय लोगों ने वहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनवाई, रस्सी के सहारे लोगों को एक ओर से दूसरी ओर पहुँचाया। पूरे तरीके से लगभग 3 से 4 घंटे तक गाड़ियाँ बंद करा दी गई थी उस रोड पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हद तक के पानी भर चुका था। लगभग 3 से 3.5 फीट तक के पानी जा चुका था। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहाँ है वो मनपा जो बड़े बड़े दावे कर रही थी हर साल की तरह इस साल भी, और नाकाम रही। आइए चलते हैं और एक झलक डालते हैं हमारे मुंब्रा कौसा और सिलफाटा परिसर की दुर्लभ तस्वीरों पर, जिसमें लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। धन्यवाद।
अरे माँ इमरान भाई, ओ धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना।